चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 48। इवेल्यूएट सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस वैक्टर वेर एफ वैक्टर इज 4x आई कैप माइनस 2y स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप बाउंडेड बाय रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और जेड की वैल्यू फ्रॉम 0 to 3। तो ये बात हमको क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है और z इक्वल टू 0 से लेके z इक्वल टू 3 है, मतलब ये जो है एक सिलेंडर का फॉर्मेट आपको दे के रखा है। क्लियर। चलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल और या फिर हम वॉल्यूम इंटीग्रल को जो इक्वेशन रिलेट करती है वो होती है आपकी डाइवर्जेंस थ्योरम। वो होती है आपकी सर आइदर आप सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर कैलकुलेट करें या फिर आप वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट कर लें डाइवर्जेंस ऑफ एफ वैक्टर डॉट डी वी। क्लियर। तो हम सरफेस इंटीग्रल की जगह वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट कर दें, ये कैलकुलेट करना आसान है। क्लियर। तो सबसे पहले हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाल देते हैं। एफ वैक्टर हमारे पास में अवेलेबल है वो है हमारे पास में 4x इंटू आई कैप माइनस 2y स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस का z स्क्वायर इंटू के कैप। डाइवर्जेंस निकालना, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f होगा डेल बाय डेल x ऑफ i कैप, तो i कैप डॉट i कैप कितना हो गया 1 4x, माइनस डेल बाय डेल y ऑफ j कैप, तो डेल बाय डेल y ऑफ 2y स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल z ऑफ k कैप, ये हो जाएगा z स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 4y प्लस 2z, ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ f। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f आ गया, अब उसका करना है आपको वॉल्यूम इंटीग्रल। क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ एफ का वॉल्यूम इंटीग्रल कर सकते हैं। अब देखिए जब आप लिमिट पुट ऑन करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन की तो आप लिख सकते हैं एक्स की लिमिट नहीं पता, वाई की लिमिट नहीं पता अभी हमको, पर जेड की लिमिट पता है, जेड स्टैंडिंग फ्रॉम 0 to 3 और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ है आपका 4 - 4y + 2z और जो डी वी है डी वी को आप लिख सकते हैं डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को डी जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन ओवर अ सरफेस 4z - 4zy + z² by 2, 2 से 2 कैंसिल z² और जब आप लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आएगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ 4 3 - 12 - 12y + 3² = 9 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, 12 + 9 = 21, सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा 21 - 12y हो जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई। फिर चलिए अब जो है सरफेस इंटीग्रल करना है पर x और y की लिमिट्स रखने में आपके प्रॉब्लम है, तो इंटीग्रेशन का सबसे आसान तरीका है कि अब z खत्म हो गया है तो ये सिंपल एक सर्कल बच गया है, अब z के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन आप हटा चुके हैं तो आपको सिर्फ एक सर्कल मिल गया है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 वाली इक्वेशन को आपको रिजॉल्व करना है, जहाँ पे अब हम पैरामेट्रिक इक्वेशन पुट कर सकते हैं। जब भी आपको सर्कल की इक्वेशन रिजॉल्व करनी है और या उसको इंटीग्रेट करना है तो सबसे आसान फार्मूला होता है x को पुट कर दो r cos थीटा, y को पुट कर दो r sin थीटा और dx इंटू डी वाई हो जाएगा r dr डी थीटा। क्लियर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर। ठीक है, तब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट ऑन करते हैं, x को पुट करते हैं r cos थीटा, y को पुट करना पड़ेगा हमको r sin थीटा। क्लियर। तो हम ले लेते हैं इसका सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ 21 - 12 r sin थीटा। क्लियर। इंटू डी एक्स डी वाई हो जाएगा r डी आर डी थीटा। आर जहाँ पर रेडियस है, रेडियस हमको पता है, रेडियस आपकी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 2 जो है वो रेडियस है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 2। क्लियर। चलिए अब सबसे पहले हम इक्वेशन को आर के रिस्पेक्ट में रिजॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर के रिस्पेक्ट में आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये जाएगा
21r तो हो जाएगा 21 इंटू आर स्क्वायर बाय 2 माइनस r इंटू आर हो जाएगा आर स्क्वायर 12 इंटू आर क्यूब बाय 3 क्लियर इंटू साइन थीटा और रेडियस 0 से लेकर 2 तक है यहाँ पे 4 था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर जहाँ पर a होती है रेडियस तो a की वैल्यू हो गई 2 और यहाँ पर आ जाएगा डी थीटा क्लियर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर सॉल्व करते हैं है ना ये जाएगा 2 का स्क्वायर तो एक 2 से एक 2 कैंसिल बचेगा एक 2 2 1 2 और 2 2 4 42 माइनस क्लियर 3 4 12 2 का क्यूब 8 4 8 32 साइन थीटा क्लियर और इसको इंटीग्रेट करना है अब आपको डी थीटा के रिस्पेक्ट में अच्छा थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा देखिए अगर आपको सर्कल बनाना है क्लियर तो आपको जो थीटा को वेरी करना पड़ेगा वो वेरी करना पड़ेगा जीरो से लेके पूरा कंप्लीट 2π तक 360 डिग्री तक तो थीटा जो इंटीग्रेट होगा वो होगा जीरो से लेके 2π तक तो ये हो जाएगा 42 थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा प्लस 32 कॉस थीटा और लिमिट फ्रॉम जीरो से लेके 2π अपर लिमिट रख देंगे अपर लिमिट हो जाएगी आपकी 42 थीटा की जगह आएगा 2 42 इंटू 2π प्लस 32 कॉस 2π इज 1 32 माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह 0 क्लियर और यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे तो कॉस 0 1 32 से 32 कैंसिल 42 इंटू 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 84 पाए तो रिजॉल्व करने के बाद जो कंप्लीट आंसर मिला दैट इज़ 84 पाए थैंक यू